अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टुडे इज़ फ्राइडे और आज जो है, मैंने जो लास्ट आपको वीडियो में बोला था कि मैं आपको शो कराऊंगी जो अपना फार्म है, वहाँ पे चिक्स हैं, हैंस हैं, जो एक गोल्डन हैंस हैं, कॉक है। ओ माय गॉड, इतने खूबसूरत है। मैंने उस दिन ही उसकी वीडियो बना ली थी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ जो है मुझे आज एक प्रोडक्ट्स का रिव्यू देना। प्रोडक्ट का क्या मुझे देना है, एक ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर तो नहीं, हमें वो लग रहा है कि वो ऑनलाइन स्टोर है, बट दैट वॉज़ नॉट ऑनलाइन स्टोर। वो बेसिकली जो है माल, देखिए मैं जगह का अगेन वो नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन ये है कि मतलब वो आपको ना सामान की रिलायबिलिटी नहीं है। सामान प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आपको पिक्चर में कुछ दिखा रहे हैं और आएगा कुछ। 786786 के नाम से है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आजकल बहुत वायरल हो रहा है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलूँगी, साफ बात है। गलत क्यों बोलूँ, जो बात सच है वही बात की जाएगी। प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन लेकिन उनका जो है वो लोग शो कुछ करा रहे हैं और वो लोग दे कुछ रहे हैं। यस बेटे, अच्छा मौत आती हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो मैं बात कर रही थी 786 का। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस चल रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि भाई ये भी बता ही देती हूँ कि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है 20 फेब को, और आज है 19 फेब जब मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो मेरी अम्मी को हर साल जो है ना, वही वाली बात है, अम्मी तो फिर अम्मी होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो मुझे कोई इतना शौक नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रेट करूं या कुछ करूं। तो लेकिन यह है कि मेरी अम्मी जो है डेफ़िनेटली गिफ्ट ज़रूर देती है मेरी सालगिरह पे, एनिवर्सरी पे। और मेरी अम्मी का यह है कि मेरी अम्मी जब गिफ्ट मंगा लेती हैं तो उनसे रुका नहीं जाता, उनको होता है बस जल्दी से दे देना है गिफ्ट ना, तो बस वो जल्दी से दे देती हैं पहले से ही, चाहे वो एक महीना पहले वो ले चुके हैं, वो एक महीना पहले पकड़ा देंगी ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो खैर यह है कि उन्होंने देखी थी वो ऑनलाइन स्टोर, तो उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से मंगा लेती हैं, तो उन्होंने मुझसे चूज़ कराया भाई तुम्हें कौन सा चाहिए। तो मैंने चूज़ किया उसमें से जो डील उनकी उनकी बेसिकली डील्स बनी हुई थी। सॉरी, काइंडली प्लीज़ अवॉइड वॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो यह है कि जो उसमें डील्स बहुत अलग अलग बनी हुई थी, तो उसमें से मैंने चूज़ करी। मैंने जो डील चूज़ करी, मैं वो भी अभी मेंशन दोबारा से कर दूँगी कि ये मैंने डील देके मेंशन की थी कि इसमें ये वाले प्रोडक्ट है। अच्छा, उसमें प्रोडक्ट का जो थे आई शेड और उसका जो है ब्लश ऑन, उसके पैलेट्स का जो है कलर कह रही हूँ उसका जो है नाम मेंशन नहीं था। तो मैंने उनसे अलग से पूछा, मेरी बहन ने जो है उनको अलग से मैसेज किया कि भाई क्या है, उसने बेसिकली ऑर्डर किया था। तो ये कि उसने उनको मैसेज करके पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये हुदा ब्यूटी है, उसका जो है ब्लश है, और जो इसके आई शेड्स हैं वो मैक के हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। तो अच्छा, 786 का इनकी डील भी ना 786 की है, किसी में 5 प्रोडक्ट हैं, किसी में 3 प्रोडक्ट हैं, तो इस तरह से। तो हर इनकी डील जो है 786 के बिस्मिल्ला के नाम पे इन्होंने रखा है, और यही इनकी प्राइस है और यही इनके पेज का नाम है। तो ये है कि मैंने ये माला मंगवाया था, तो इसमें ये है कि देखें, इन्होंने मुझे बोला था मैक का। अच्छा, मैं फिर अगेन, इनका प्रोडक्ट बुरा नहीं है, मैं प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलूँगी, ये मैंने खोल के एक्चुअली चेक किया था तो इस वजह से खुला हुआ है। तो ये है, इन्होंने मुझे बोला था मैक का जो है ये पैलेट है आई शेड्स का, लेकिन ये मैक का नहीं है। ये देखें आप किसका है, न्यू हुदा ब्यूटी के नाम से, ठीक है। शेड इसके अच्छे हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो बोला था, ठीक है। मैं अभी आपको खोल के भी शो कराती हूँ। सेकेंडली, इसके अंदर चीज़ मेंशन थी कि ये जो है आई शेड जो है उसके हैं हुदा के हैं, बट ये हुदा के नहीं है, ये हैं कैलिस्टा अ टच ऑफ परफेक्शन 4 मास्टर कलर पैलेट, ठीक है। कलर इसके बहुत अच्छे हैं, कलर को मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा है, बट जो बोला, जो डील में दिखाया, वो चीज़ नहीं दी गई। मुझे इस बात से तकलीफ है, और सबसे बुरी बात कि जब इनसे बोला गया, इनको मैसेज किया गया कि काइंडली, अच्छा मैंने इस पर एतराज़ नहीं किया, फ़ाइन ओके ठीक है कलर अच्छा, बट जब हम लोग ने इस पर एतराज़ किया कि भाई, और इसका तो अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ अभी आपके, क्या है कि किस बात पर हमने एतराज़ किया, तो हमने बोला कि काइंडली रिप्लेस दिस, तो दिस है कि काइंडली कोऑपरेट। अब वो तो मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट देना था ना, तो फाइन कोई मसला नहीं है, बिकॉज लिटरली मैं जब घर गई हूँ अम्मी के, तो उन्होंने पूरा मुझे पार्सल पकड़ा दिया था कि ये लो तुम खुद खोलो अपना, वो खोला तो टूटा निकला। तो मतलब अगर यही पार्सल किसी और को देना होता, किसी और को गिफ्ट देना होता, कि टूटी हुई चीज़ हम देते, तो ये टूटा हुआ है। कलर इसके अच्छे हैं, लेकिन ये टूटा हुआ है, लग रहा है कि ज़ोर से किसी से गिरा है,
इस साइड से टूटा है वो है। और इसके साथ ये थी डर्माकॉल की फिल्म स्टूडियो की मेकअप कवर, ये है। ये मैंने यूज़ अभी कुछ भी नहीं किया है तो मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दूंगी, इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। ये दोनों मैंने लगा के चेक किए थे तो इनका अच्छा था, ये था। इसके अलावा इनकी रेवलॉन की फ़ोटो रेडी जो है काजल है, इस तरह से ये भी था। एक और चीज़ भी, उप्स बड़ी ज़ोर से मैंने खुला, ये इसका काजल है, ठीक है जी। ये हो गया ये, और इसके अलावा ये, अच्छा ये भी, ये सॉरी ये मेरी बेटी ने फाड़ दिया है। तो ये है हुदा ब्यूटी का पैनकेक, उसमें मेंशन था कॉम्पैक्ट पाउडर, दिस इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, दिस इज़ पैनकेक। बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रही, वेल मैंने यूज़ नहीं किया ये, ठीक है। हुदा ब्यूटी का पैनकेक है प्रोफेशनल वाला, तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है बिल्कुल। तो ये है, मैं अभी ये तो खैर मैं ये भी अभी यूज़ नहीं करी, मैं रिव्यू नहीं दे रही इसका, तो इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं था, पफ वगैरह इसका। तो खैर ये इस तरह से बस ये इसका पैनकेक है, यूज़ करूँगी बताऊँगी फिर ये मुझे कैसा लगा, तो इसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकती। ब्लश को मैंने चेक किया था, ब्लश के स्वाच मैं आपको भी दिखा देती हूँ किसका है, कैलिस्टा का। अच्छा चीखा चला जा रहा है, ये इस तरह से इसका लगा हुआ है, ये इसके ब्रशेज हैं दो, ये हैं इस तरह से, कलर्स बहुत अच्छे हैं, देखें साफ बात है, देखें जो बात सही है वो बात सही है। मैं ये क्यों बोलूँ, मतलब ये अच्छा है, मैं भी हाथ मेरे गंदे हो जाएंगे, ये जब मैं रिव्यू दूंगी तो आपको सही से दिखाऊंगी। बट एक्चुअली मुझे जो बताने का मकसद ये, मुझे बहुत शदीद गुस्सा आया कि यार हमने उनसे पूछा कौन सा प्रोडक्ट, वो कह कुछ रहे दे कुछ रहे। तो ये है कि देखें ये इतने तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है, तो आई एम श्योर हमारी तरह और बहुत लोग होंगे जो इस वक्त उनको ऑर्डर करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि उनको पहले से अवेयर कर दूँ कि वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं प्रोडक्ट बुरा नहीं है, बट जो वो कह रहे हैं वो नहीं दे रहे, वो कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका हो गया, बाद में दिखाऊंगी। बस ये है कि पिंक कलर देखें जैसे ये आया है, कैसे दिखा रही हूँ मैं, मेरे तो ये भी समझ नहीं आ रहा इस तरह से। तो खैर ये है, इसका प्रॉपर रिव्यू हम करेंगे, मैं ये यूज़ करूँगी मेकअप में कि किस तरह का। अच्छा जी ये है, ये देखें न्यू हुदा ब्यूटी के नाम से ये है, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं ये ओपन करूँगी तो ये देखें, ये टूटा हुआ, ये सी, और ये इसका इस तरह से, ये के मतलब कलर्स अच्छे हैं इसके, बुरे नहीं है कलर्स, सी तो ये कि बुरे नहीं है, अच्छा है। और मतलब वही जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, मैं अगेन दोबारा दिखा देती हूँ कि देखें मुझे दिखाया क्या था और मुझे दिया क्या। कलर इसके बुरे नहीं है, मैंने शेड लगा के चेक किया है, मैं भी जो मेरा मैचिंग का है लाइक ब्लू लगा लेती हूँ हल्का सा, नहीं आ रहा तो नहीं, मुझे डर लगा मेरा लाइनर ना ख़राब हो जाए, मैं यहाँ लगा के देखती हूँ। नहीं ब्लू भी अच्छा ही आया, अच्छा ही आया ब्लू इस तरह से पर्पल सा। खैर तो ये है कि मतलब ठीक है, मतलब सही है बस, लेकिन ये जो है ना इसने मेरा दिमाग बस वो कर दिया कि यार ये क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने उनको रिप्लेस करने को बोला तो वो कहते हैं काइंडली कोऑपरेट, व्हाट वाज दैट यार। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ठीक है विल कोऑपरेट, बट यार कॉपरेट की एक लिमिट होती है, ये टूटा हुआ और फिर डिफरेंट, ये ठीक है फाइन बट डिफरेंट, ये भी कुछ और देख, वहाँ कुछ दिखा रहे हैं यहाँ कुछ, ये सेम है, ये भी दिखा कुछ रहे, कॉम्पैक्ट बोल रहे हैं, दे पैनकेक रहे, ये सेम थी, बस ये दो चीज़ें सेम है, ये उसकी जगह वो, उसकी जगह वो। तो बस बात ये है कि मुझे गुस्सा इस बात का है कि ये गलत है, क्योंकि वो अभी इतनी तेज़ से स्प्रेड हो रहे हैं, तो हम जैसे और बहुत लोग होंगे उनको ऑर्डर करेंगे, तो काइंडली पहले से मैं बता दूं कि जो ऑर्डर करेंगे वो डेफिनेटली नहीं आने वाला, मे बी आ भी जाए आपकी लक है, बट अगर जो आ गया वो रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि वो ये प्रॉपर कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, ये कोई बड़े जैसे गोदाम वगैरह में काम होता है ना, ये वो है। मैं जगह का कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी कि बस ये बात है, ठीक है जी। चलें अब ये हो गया है, इंशाल्लाह हम किसी दिन इसका रिव्यू करेंगे और फिर ठीक है। और बल्कि मैं सोच रही हूँ मेरा अभी एक पार्टी वीडियो बनाने का, पार्टी मेकअप वीडियो बनाने का मेरा इरादा है, तो लेट्स यूज़ ऑन दैट, ठीक है उसमें हम यूज़ कर लेंगे। और चलते हैं अभी हम चिक्स की तरफ, उनको देखते हैं, मैंने वीडियो कल बनाई थी तो मैं
मैं ना उठी वहां से, मैं इतने मतलब मेरे वहां से सनलाइट इतनी आ रही थी कि दिख नहीं रहा था। और ये देखें जो मैंने इस वक्त लगाया था कलर, ये देखें दिख रहा है, नॉट बैड। ये कह रही थी मैं कलर बुरा नहीं है, ये देखें इतना सा मैंने यहाँ पे लगाया था ये, और ये जो हाथों पे लगाया था मैंने ये इस तरह से, तो ये कि नहीं दिख रहा है कलर बुरा नहीं। वही बात है, कलर बुरा नहीं है, बट जो वो दिखा रहे हैं वो नहीं आने वाला, ये 100% श्योर है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है जी। और ये है कि कल, एज आई टोल्ड यू कि कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी 20 फरवरी, तो लेट्स सी इफ़ वी प्लान समथिंग। अगर कुछ प्लान करेंगे तो वो ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करूँगी। और बस दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि आने वाला वक्त मज़ीद खुशियाँ लेकर आए हर रिलेशन के लिए, सब के लिए। कैसा लग रहा है, मेरी एक आँख में कलर है एक आँख में नहीं है। तो ये है कि सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सब के जोड़े सलामत रखे, उनके नसीब अच्छे करे, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनके नसीब अच्छे करे, और सब ठीक है। अच्छा, और हाँ, मेरी बहन ने जो अपना चैनल स्टार्ट किया है कुकिंग का, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट इंशाल्लाह समथिंग डूइंग, मतलब वो अभी है, वो थोड़ा प्रोसेस में है, थोड़ा काम कर रही है वो, तो थोड़े से और वीडियोज़ वगैरह ऐड कर ले, फिर ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका चैनल। मेरी छोटी बहन है, लास्ट ब्लॉग में आपने उसकी पिक्चर भी देखी होगी, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका लिंक और जो कुछ भी उसकी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कहूँगी, दुआ में याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई ऑल वीडियोज़, एंड बस आपके बहुत प्यार की ज़रूरत है, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।